इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अब चार धाम मंदिरों का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने कानून लाने का फैसला किया है। राज्य के अंदर और बाहर संगठन व ट्रस्टों को रोका जाएगा। दिल्ली में मंदिर का नाम केदारनाथ रखने पर बवाल हुआ था, जिसके बाद ये फैसला लिया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मंदिर के उस भूमि पूजन में भी पहुंचे थे। हालांकि अब उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने इस पर एक कानून लाने का फैसला किया है, जिसके मद्देनजर अब चार धाम मंदिरों का नाम राज्य के अंदर और बाहर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। संगठन व ट्रस्टों को ऐसा करने से रोका जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अब चार धाम मंदिरों का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने कानून लाने का फैसला किया है। राज्य के अंदर और बाहर संगठन व ट्रस्टों को रोका जाएगा। दिल्ली में मंदिर का नाम केदारनाथ रखने पर बवाल हुआ था, जिसके बाद ये फैसला लिया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मंदिर के उस भूमि पूजन में भी पहुंचे थे। हालांकि अब उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने इस पर एक कानून लाने का फैसला किया है, जिसके मद्देनजर अब चार धाम मंदिरों का नाम राज्य के अंदर और बाहर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। संगठन व ट्रस्टों को ऐसा करने से रोका जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अब चार धाम मंदिरों का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने कानून लाने का फैसला किया है। राज्य के अंदर और बाहर संगठन व ट्रस्टों को रोका जाएगा। दिल्ली में मंदिर का नाम केदारनाथ रखने पर बवाल हुआ था, जिसके बाद ये फैसला लिया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मंदिर के उस भूमि पूजन में भी पहुंचे थे। हालांकि अब उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने इस पर एक कानून लाने का फैसला किया है, जिसके मद्देनजर अब चार धाम मंदिरों का नाम राज्य के अंदर और बाहर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। संगठन व ट्रस्टों को ऐसा करने से रोका जाएगा।